हड्डी टूटने का दर्द कैसा होता है ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि कभी ना कभी सबकी कोई ना कोई हड्डी तो जरूर टूटी होगी। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है और ज्यादातर मनुष्यों के शरीर की कोई ना कोई हड्डी फ्रैक्चर जरूर हो जाती है। बिल्ली के शरीर में 320 हड्डियां होती है लेकिन फिर भी उसकी कोई भी हड्डी कभी भी फ्रैक्चर नहीं होती। नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम गजब की बात में आपको बताते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बिल्ली की हड्डी क्यों नहीं टूटती। बिल्ली को इंसानों के साथ रहना पसंद है क्योंकि बिल्ली का दिमाग 90% तक इंसानों जैसा ही होता है। पिछले 9,500 सालों से बिल्ली इंसानों के साथ उनकी बस्तियों में रह रही है। यदि बिल्ली इंसानों से दूर रहती है तो उसकी उम्र 12 वर्ष होती है, लेकिन यदि उसी बिल्ली को घर में पाल लिया जाए तो उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो जाती है। बिल्ली के शरीर का इंसान के शरीर से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। कई मामलों में बिल्ली का शरीर इंसान के शरीर से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इंसान की हार्टबीट 72 प्रति मिनट होती है जबकि बिल्ली की 110 प्रति मिनट। कई बार बिल्ली यहाँ से वहां जंप करते हुए गिर जाती है और पलक झपकते ही उठकर भाग जाती है। बिल्ली को गिरते हुए तो सबने देखा होगा लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा कि बिल्ली कभी भी पीठ के बल नहीं गिरती, वह अपने पंजों पर लैंड करती है। दरअसल बिल्ली की रीढ़ की हड्डी में 53 जोड़ होते हैं, इसी के कारण बिल्ली का शरीर काफी लचीला होता है। 65 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसके शरीर में एक भी फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि वह हमेशा पैरों के बल जमीन पर गिरती है और उसके पैर एक स्प्रिंग की तरह प्रेस होकर जंप करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिल्ली म्याऊं करके इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपने बच्चों या किसी दूसरी बिल्ली से बात करने के लिए बिल्ली कभी भी म्याऊं नहीं करती। एक और मजेदार बात यह है कि मादा बिल्ली राइट हैंडर होती है जबकि नर बिल्ली लेफ्ट हैंडर। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और गजब की बात के साथ। धन्यवाद।